ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य महकमे की सबसे बड़ी बागडोर संभाल रही आशा कार्यकृति अब वेतन न मिलने से परेशान है। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरा प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे की सबसे पहली कड़ी आशा बहु मानी जाती है, जो कि गर्भवती महिलाओं को गर्भधारी महिलाओं को समय समय पर समुचित जानकारी देकर टीके दवा करवाती हैं। लेकिन बांदा जनपद में इन दिनों आशा कार्यकृति अधिकारियों की लापरवाही से भुखमरी की कगार पर आ गई हैं। कई महीनों से किए गए परिश्रम का उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। कई बार अधिकारियों से लिखित में प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है, लेकिन अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर मांडा सीएमओ और कार्यालयों ने हल्ला बोल मचा दिया। चेतावनी देते हुए आशा बहु ने कहा, अगर जल्द ही हम वेतन का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और कार्य भी नहीं करेंगे, जिससे बांदा जनपद में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। जनपद बांदा के महुआ ब्लॉक की आशा कार्यकृतियों के द्वारा सीएमओ बांदा को ज्ञापन देते हुए 5-6 महीने किए गए कार्य के जाने की मांग है, जहां आशा महिला के द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यों को हमारे द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारे कार्य के प्रति मिलने वाले पैसे का भुगतान समय पर विभाग नहीं कर पाता। हम लोग तंगहाली और अर्थविहीन होने के कारण परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हमारी इस समस्या के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। महुआ ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता महिला द्वारा आज सीएमओ ऑफिस बांदा संतोष कुमार को ज्ञापन देते हुए अपने कार्य के प्रति को भुगतान करवाए जाने की मांग की है और बताया है कि हमारे द्वारा टीकाकरण डिलीवरी फाइलेरिया CHC PHC सतर के कार्यों के सहायक में सहभागिता रहती है। साथ में किए गए कार्य में हमें पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, लेकिन विभाग की लापरवाही के बदौलत 5-6 महीने बीत गए और अभी हमारा भुगतान नहीं किया गया। आशा कार्यकृति महिला आरती ने बताया कि मैं पिथौरा बाद में आशा पद पर कार्यकृत हूँ। स्वास्थ्य विभाग के प्रति कार्य जो आशाओं के द्वारा लिए जा रहे हैं, जैसे जन सुरक्षा, फाइलेरिया, आशा से संबंधित कार्य स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार किए गए हैं, लेकिन विभाग के लापरवाही के बदौलत हम लोगों के किए गए कार्य का भुगतान विभाग समय से नहीं किया। 5-6 महीने बीत गए, हम लोग तंगहाली और पैसे के बगैर मजबूर तथा परेशान नजर आते हैं। हमारे पास भी खर्चे हैं और हमारा भी परिवार है। इसी को लेकर आज हम लोग CMO को ज्ञापन दिए हैं कि हमारा भुगतान करवाया जाए। आशा बहुओं के भुगतान के संबंधित मामले की जानकारी देते हुए CMO बांदा संतोष कुमार ने बताया कि आशा कार्यकृति महिलाओं को संबंध में भुगतान करने के लिए निर्देशित किया है, जैसे ही होगा उचित कार्रवाई समय से करी जाएगी। बांदा से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी आशा है, मैं ग्राम अमरतपुर खेरवा से हूं। आज किस समस्या को लेकर आप CMO पे उपस्थित हुई हैं? अपना पैसा ले, पैसा के रूप में आए हैं, हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा, 5 महीने से कोई पैसा हमारा नहीं मिला। ये समस्या को लेकर कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जनसंख्या में? कम से कम 120 लोगों को, मतलब पैसा अनुदान नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। अच्छा, किस ब्लॉक की CMO साहब ने अभी क्या कहा? आप मिले CMO साहब ने कहा है कि आप बैठिए, हम आपकी समस्या सुन लिए, हम MOIC को बुला रहे हैं, BCPM को बुला रहे हैं और प्लस जो पैसा डालते हैं बाबूजी उनको बुला रहे हैं, हम आपकी समस्या को हल कर रहे हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे। आगे और क्या करेंगे? DM के यहाँ जाएंगे, DM के यहाँ समस्या हल नहीं होगी तो हम लखनऊ जाएंगे, क्योंकि हम इतने तो है नहीं कि हम लोग, अब हमसे काम लिया जा रहा है, हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है तो हम बैठेंगे नहीं। आज यहाँ पर करीब महुआ ब्लॉक की 200 आशा अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं। उनकी किस प्रकार की मांग है और क्या कैसे क्या इनका बताइए इस प्रकार। सामूहिक रूप से आई हुई है, उन्होंने अवगत कराया है कि हमारे भुगतान समय से नहीं हो पा रहे। इसके संबंध में हम MOIC महुआ, DCPM और DCPM की जगह काम देख रहे DPM को मैंने बुलाया हुआ है और इनकी समस्या का समाधान अभी किया जाएगा। नियमानुसार जो भी भुगतान होंगे तुरंत समय से कराए जाएंगे। 6 महीने से इनका भुगतान रुका हुआ है, क्या कारण है जिस वजह से इनका भुगतान नहीं है? 6 महीने सभी का नहीं है, कुछ का किसी पेमेंट्स वाउचर्स की वजह से, कमी की वजह से रुका हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है 3-4 महीने का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, नोट की गई थी, उसका समाधान अभी निस्तारित कर दिया जाएगा और इनके अभी समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा। आशाओं का कहना है कि हम करीब 200 लोग हैं, आप कह रहे हैं 20-25 लोग हैं। आशाओं ने अभी बताया जानकारी, 200 आशाएं तो पूरे महुआ ब्लॉक में भी नहीं है, ये कहना।